मोदी ने मंगलवार को बरहेट में चुनावी सभा की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश के मुस्लिमों में भय का माहौल बना रही है। उन्होंने चुनौती दी कि नागरिकता बिल और एनआरसी पर विपक्षी पार्टियां झूठ बोल रही हैं और लोगों को भ्रमित कर रही है। प्रधानमंत्री ने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो कांग्रेस खुलेआम यह ऐलान करे कि वह पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देगी। वह घोषणा करे और भारत की जनता को उनका हिसाब कर देगी। जनसभा में मोदी ने कहा कि सारे काम शांति से होते हैं, दो विपक्षियों के पेट में चूहे दौड़ते हैं। यही डर आर्टिकल 370 को लेकर भी दिखाया गया था। तब भी कह गए थे कि हाथ लगाया तो करंट लग जाएगा, बवाल हो जाएगा, देश के टुकड़े हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद आतंकवाद बढ़ता गया, ये लोग देखते रहे लेकिन निर्णय नहीं किया। अनुच्छेद 370 भी हट गया और कश्मीर शांति से आगे बढ़ रहा है। देश ने कांग्रेस और उसके साथियों की नकारात्मक सोच को नकार दिया, लेकिन इन लोगों ने लोगों को डराने और झूठी बातें फैलाने को अपनी राजनीति का आधार बना लिया है। मोदी ने कहा कि ये लोग नागरिकता संशोधन कानून को लेकर झूठ बोलने लगे हैं, लोगों को डराने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने पूरी ताकत झोंक दी है भारत के मुसलमानों को डराने की। ये लोग देश में झूठ और भ्रम का माहौल बना रहे हैं। ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ है कि इस कानून से भारत के किसी भी नागरिक, भले ही वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी, किसी की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ मेरा हेलीकॉप्टर पहले आ गया और मैं बाद में आया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं आया। मैं पहले अमर शहीद सिद्धो कानो चांद भारव को श्रद्धांजलि देने गया था। यह सौभाग्य है कि झारखंड विधानसभा चुनाव की आखिरी सभा वीरों की माटी और बाबा बागेश्वर नाथ के सानिध्य में हो रही है। मोदी ने कहा कि मुझे आप सबका स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। यह झामुनो कांग्रेस राजद वामपंथियों को परेशान करता है और उनकी नींद हराम कर देता है। मोदी और भाजपा को मिल रहा देश का प्यार इनको पच नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम 14 साल का वनवास आदिवासियों के बीच गुजारा और इसलिए यहाँ राम मंदिर सबकी श्रद्धा का केंद्र है। अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला इतना साल से लटकता रहा, इसका समाधान होना चाहिए था कि नहीं? यह मामला शांति से सुलझाना चाहिए था कि नहीं? यह क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए वो वही काम करते थे जिसमें उनकी राजनीति की रोटियां सिकती रही। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फिर से इस सफेद झूठ बोलने लगे हैं, लोगों को डराने लगे हैं। कांग्रेस और उसके जैसे दलों और उसके वामपंथी इकोसिस्टम ने पूरी ताकत झोंक दी है भारत के मुसलमानों को डराने के लिए। ये लोग देश में झूठ और भ्रम का माहौल बना रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, जबकि ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ है कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत के एक भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई? बराबर आ गई? मैंने साफ साफ बताया कि नहीं बताया? संसद में भी बताया था। आपको समझ में आता है, उनको समझ में नहीं आता। साथियों, जेएमएम और कांग्रेस के पास झारखंड के विकास का कोई न रोड मैप है, न इरादा है, न कभी भूतकाल में कुछ किया है। अगर वो जानते हैं तो उनको एक ही बात का पता है, एक ही बात का, बस जहां भी मौका मिले भाजपा का विरोध करो, मोदी को गाली दो, जहां भी जाओ बस दिन रात सुबह शाम मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, यही कर रहे हैं। और भाजपा का विरोध करते करते
इन लोगों को देश का विरोध करने की आदत हो गई है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो भाजपा का विरोध कर रहे हैं कि भारत का कर रहे हैं। आइए आगे आपको बता देते हैं कि झारखंड में 20 दिसंबर को किन 16 सीटों पर मतदान होगा। राजमहल, बोरिया, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुल, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, सारठ, पैडियाहाट, गोड्डा और महागामा। 2014 विधानसभा चुनाव में इन 16 सीटों में से 6 पर झुमोनो, 5 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस और 2 पर जीवीएम प्रत्याशी जीते थे। बरहेट से भाजपा ने सिनोम को मालतो को प्रत्याशी बनाया है। झामुनो ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हेमंत सोरेन को मैदान में उतारा है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।